नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास फ़ोन आया हुआ है Redmi का Note 6 Pro, जो कि दोस्तों ये हैंग ऑन लोगों पे है। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कस्टमर का कहना है कि उन्होंने किसी अदर शॉप पे इसका फ्लैशिंग करवा के देखा था, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। हमने भी फ्लैश किया, लेकिन सेम कंडीशन में है। रेडमी पे इसी पे रुका रह रहा। हमने करीब आधे घंटे तक इसको ऐसे ही रखा था, लेकिन इसमें कोई इंप्रूव नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं मोबाइल में से। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, AMMC का है। तो आज हम AMMC को बताएंगे कैसे हम AMMC के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे UMT की मदद से। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहिए, इसको बिल्कुल भी ना करें, ताकि हम एंड में इसका परफेक्ट सलूशन और अच्छे से बताएंगे। तो हमारे पास नई AMMC है जो इसमें फिक्स करेंगे दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसको हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए दोस्तों, इसमें हमारा जो हीट रहेगा 350 रहेगा और एयर 50 पे रहेगा, Q-Card 161 से। और अगर दोस्तों आपके पास SMD Q-Card 857DW+ है, तो उसमें हीटिंग सेम रहेगा 350 और टेम्परेचर जो 3 पे रहेगा। तो चलिए हम IC की तरफ चारों तरफ हम पेस्ट लगा देते हैं। और पेस्ट लगाने के बाद जो हमारा जो AMMC है, चारों तरफ एक समान हीट देंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर AMMC को रिमूव कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा AMMC है रिमूव हो चुका है, VG254 लगा हुआ है इसमें। तो दोस्तों, हम AMMC को रख देते हैं साइड में, और जो हमारा बोर्ड है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं डिसोल्डर वायर की मदद से, रोजिन के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट यहाँ से बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, AMMC जो है हमारी, उसमें सिर्फ RPM भी क्लीन होनी चाहिए। RPM भी क्लीन AMMC होनी चाहिए दोस्तों, ताकि और कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। आप 4 माइक्रो dB में या फिर +5 से देख सकते हैं कौन सी AMMC इसमें काम करेगी। तो चलिए, बोर्ड को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कहेंगे कंफर्टेबल AMMC के लिए, तो उसका भी एक वीडियो अलग से हम बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे हम नई वाली AMMC ले चुके हैं, और पुरानी AMMC को हम साइड में रखती हैं। तो चलिए, यहाँ से हम जो AMMC है इसको फिक्स कर देते हैं बोर्ड में। और दोस्तों, बोर्ड में फिक्स करने के बाद हम डायरेक्टली UMT की मदद से फ्लैश करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, बने रहिए आप लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम AMMC को जो है बोर्ड में फिक्स कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा AMMC है बोर्ड में, एकदम फाइनली टच दे देंगे इसको। एक बार फाइनल टच दे देंगे तो AMMC जो है हमारी एकदम बराबर जाके बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे हिल रही है AMMC। तो बोर्ड को भी ठंडा कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। आप ये फैन जरूर परचेस करिए, बहुत अच्छी फैन है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम बोर्ड को डायरेक्टली केबल लगाए हैं, तो ये जो ऑटो पोर्ट बनाएगा, इसमें पोर्ट नहीं बनाना है, एक 9008 का पोर्ट बनाएगा, क्योंकि हमने AMMC में फाइल नहीं डाला हुआ है, डायरेक्टली AMMC लगाया RPM क्लीन। तो दोस्तों, यहाँ से हम UMT की मदद से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और फटाफट से करके फ्लैश कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, ताकि आपका टाइम न वेस्ट हो। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी जो फाइल है फ्लैश हो चुकी है। तो यहाँ से दोस्तों, हम फोन को ऑन करेंगे। दोस्तों, ऑन करेंगे और नेक्स्ट आगे भी बढ़ा लेंगे। पर दोस्तों, हम यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फुल वॉचिंग करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपके लिए कुछ जरूर नया सिखाने के लिए लाएंगे।
तो दोस्तों जो हमारा फोन है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, जो कि डेड कंडीशन में आ गया था हैंग लोगों पे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो सेटअप है कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें।